पलामू के नीलांबर पीतांबरपुर मौर्य फार्म हाउस में सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की गई, जिसकी अध्यक्षता विजयानंद पाठक और संचालन जितेंद्र तिवारी ने किया। इससे पहले पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती भी मनाई गई, जहां पाकी विधानसभा विधायक कुशवाहा डॉक्टर शशिभूषण मेहता अपने सभी प्रखंडों के भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ जयंती मनाते नजर आए और बैठक की। बैठक में नीलांबर पीतांबरपुर की पावन धरती पर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी का आगमन 3 अक्टूबर को पाकी विधानसभा क्षेत्र में होने जा रहा है, जिसके निमित्त पुराना प्रखंड कार्यालय परिसर नीलांबर पीतांबरपुर में जनसभा का आयोजन किया गया है। इस बैठक में भाजपा पलामू जिलाध्यक्ष विजयानंद पाठक, भाजपा के प्रदेश कार्य समिति अध्यक्ष अमित तिवारी, भाजपा के पलामू जिला उपाध्यक्ष अरविंद प्रसाद गुप्ता आदि लोग मौजूद रहे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती है। हम तमाम पार्टी विधानसभा के कार्यकर्ता उनकी जयंती समारोह के मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। साथ ही साथ जो अपने प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री बाबूलाल मरांडी जी का कार्यक्रम जो स्थगित हुआ था, उसको फिर से 3 अक्टूबर को पाकी विधानसभा में अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। यहाँ पर पाकी विधानसभा के बूथ के सभी अध्यक्ष और बूथ कमेटी के साथ साथ ये सभी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। इसके निमित्त आज तैयारी समिति के लिए तैयारी करने के लिए सभी विधानसभा के सभी कार्यकर्ता से जमा हुए हैं। आज ये कार्यक्रम है, किस प्रकार कैसे ऐतिहासिक हो, किस प्रकार से इसको मनाया जाए, जिससे कि एक इतिहास से कायम हो, इसी को निमित्त हम लोग ऐसे यहाँ बैठे हुए हैं। मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में जो 3 अक्टूबर को जो कार्यक्रम होगा अपने प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री बाबूलाल मरांडी जी का, वो ऐतिहासिक होगा। उसके लिए सारी तैयारियाँ पहले से भी कर ली गई थी और इसको फिर फाइनल टच करने के लिए, फाइनल हम लोग उसको तैयारी करने के लिए दिशा निर्देश के लिए अपने जिला अध्यक्ष की उपस्थिति होने जा रही है, आ रहे हैं। अपने प्रभारी श्री विनय जायसवाल जी भी की उपस्थिति हो रही है। हम लोग काफ़ी इसको जोश भरने का काम करेंगे ये लोग भी, और हम लोग इसको तैयारी करके एक इतिहास बनाने का काम करेंगे। जो आज देख रहे हैं पूरे राज्य में देखने की ऐसी है, किस प्रकार से हाहाकार मचा हुआ है, भ्रष्टाचार का आलम है। आज कोई पदाधिकारी है सो सुनने के लिए तैयार नहीं है। देखें अभी आए हुए थे पूरे डीलर ऐसी है कि मनमानी के खिलाफ में 3-4 गांव से लोग आए हुए थे। किसी को ऐसे ये 4-4 महीना से राशन नहीं मिल रहा है, किसी को उनका ऐसा अकाल के समय में उनका घर में ऐसे चूल्हा नहीं जल पा रहा है, और पदाधिकारी न फ़ोन उठाते हैं न बात करते हैं, और एकदम हाहाकार मचा हुआ है। ये सब इस समस्या को निजात दिलाने के लिए और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनाने के लिए अपने प्रदेश अध्यक्ष जी का जो दौरा हो रहा है, उनका संकल्प यात्रा हो रहा है, मतलब संकल्प यात्रा के माध्यम से एक परिवर्तन के लिए हम लोग ऐसे बिगुल फूकेंगे। आने वाले समय में इस राज्य में झारखंड में जो खनिजों से भरा हुआ संपत्ति है यहाँ पर, उस राज्य में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बने, इसके लिए हम लोग ऐसी तैयारी कर रहे हैं और ऐसे हम लोग इसको ऐतिहासिक बनाने का काम करेंगे।